बिहार विधानमंडल के बजट सेशन में विपक्ष किसान और युवाओं को रोजगार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरने में लगे हैं। विधानसभा के बाहर विपक्षी दल जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट पार्टी के विधायक 19 लाख युवाओं को स्थायी नौकरी देने की मांग को लेकर नीतीश सरकार पर हल्ला बोल कर रहे हैं। सीपीआई के नेताओं का कहना है कि 19 लाख स्थायी नौकरी से बिहार के युवाओं की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। वहीं आरजेडी किसानों के मुद्दे पर बीजेपी जेडीयू को घेरने में लगी है। आरजेडी नेता भाई बीरेंद्र ने नीतीश सरकार से तीनों कृषि बिलों को बिहार में लागू नहीं करने की मांग की है। केंद्र सरकार के द्वारा और समर्थन माननीय नीतीश कुमार की सरकार भी कर रही है, तो किसानों के मांगों को लेकर जो काला व्हील है उसको सरकार वापस करवाए और यहाँ से भी प्रस्ताव जाए कि ये हम बिल को हम खारिज करते हैं, प्रस्ताव को हम पास नहीं होना चाहिए, और जो देश में किसान आंदोलित है, किसानों की जो मांगे हैं उसको पूरी होनी चाहिए, क्योंकि इस देश का रीढ़ किसान है और रीढ़ ही शरीर का टूट जाएगा तो सब खत्म हो गया, इसलिए अन्नदाता किसानों का की मांगों को मानना चाहिए। वहीं बजट सेशन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के तीखे तेवर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे श्रवण कुमार ने तंज कसा है। कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि लगता है कि तेजस्वी यादव अभी नेता प्रतिपक्ष के पद को संभालने के लिए अनट्रेंड हैं। क्या कहेंगे सर? उनका आरोप निराधार है, बेबुनियाद है। उनका आरोप तार तार करने वाला है, ठीक है ना? और जो जनप्रतिनिधि मर्यादा का पालन नहीं करता है, मर्यादा को तार तार करता है, संसदीय लोकतंत्र में उनके लिए कोई सम्मान किसी के प्रति नहीं है। मैं समझता हूँ वैसे लोग को थोड़ा और संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए थोड़ा और काम करना, सीखने की भी जरूरत है। बिल्कुल सीखने की जरूरत है। जो व्यक्ति किसी मर्यादा को तार तार कर रहा हो, वैसे व्यक्ति कुछ कुछ और समझने की जरूरत है, जानने की। अनट्रेंड नेता प्रतिपक्ष मिले हैं क्या लग रहा है? वहीं जेडीयू के विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। बलियावी ने कहा है कि विपक्ष को 15 साल के नीतीश राज में हुआ विकास नजर नहीं आता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं को विकास को देखने के लिए चश्मे का पावर बढ़ा लेना चाहिए। इन लोगों ने 15 साल पहले बिहार देखा है, वो लोग आज जो बिहार देखते हैं उस आम जनमानस को किसी व्यक्ति किसी पार्टी से बिहार के विकास और तरक्की का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जो 15 साल पहले नहीं 10 साल पहले पटना आया था, अब वो पटना आने के बाद थोड़ी देर के लिए अचंभित होता है कि हम पटना ही आए हैं कि कहीं और गए हैं। तो बिहार की जनता को विकास दिख रही है, बढ़िया से समझ में आ रहा है। अब अगर किसी को विकास नहीं दिख रहा तो वो अपने चश्मे का पावर बढ़ावे भाई, उसका इलाज हम नहीं कर सकते। बिहार में बिजली और सड़क को लेकर नीतीश सरकार ने बेहतर काम किया है। हालांकि अभी भी इंडस्ट्री को बिहार में लाने में नीतीश बाबू पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं। अगर बिहार में 15 साल में 15 इंडस्ट्री भी लगी होती तो युवाओं को पलायन के दर्द से नहीं जूझना पड़ता। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।